तटीय मैदान और द्वीप समूह, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। यह भारत के 7,516.6 किलोमीटर सागरीय तट रेखा के सहारे स्थित मैदान है। इसमें 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तट रेखा व शेष द्वीप समूह की है। यहाँ केवल पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान सम्मिलित है। विविध चौड़ाई में पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल से कच्छ से लेकर पूर्व में ओडिशा व पश्चिम तक फैला हुआ है। पूर्वी तट का विस्तार पश्चिमी बंगाल में गंगा के मैदान से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह तट मुख्यतः उन्मजी प्रकार का है, जहाँ अपतटीय रोधिकाएँ सागरीय पुलिन लैगून तथा रेतीले कटक मिलते हैं। यह तट कैप कॉमेरिन कन्याकुमारी से कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टा तक लगभग 1100 किलोमीटर में 100 से 130 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 150 किलोमीटर है। उड़ीसा में स्वर्ण रेखा के उत्तर में उत्कल का मैदान 400 किलोमीटर विस्तार वाला है, जिसका आगे का विस्तार आंध्र प्रदेश में पुलिकट तक महानदी डेल्टा, दक्षिण में खाड़ी मुख रोधिका बनने से चिल्का झील का निर्माण हुआ है। तमिलनाडु का मैदान लगभग 675 किलोमीटर लंबाई में है, जो 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा कोरोमंडल कहलाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा यह भाग अधिक ऊंचा है। इस मैदान को उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट तथा कोरोमंडल तट में बांटा जाता है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में कम कटा फटा है, जिस कारण कम पोताश्रय या बंदरगाह पाए जाते हैं। पूर्वी तट का महाद्वीपीय मग्न तट पश्चिमी तट की तुलना में कम है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तल चेन्नई का मेरीना बीच है। पश्चिमी तटीय मैदान। यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के सहारे सहस्त्रादि एवं अरब सागर के मध्य एक संकरी पट्टी के रूप में गुजरात से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 150 मीटर है। कहीं कहीं ये केवल 50 किलोमीटर चौड़ा है। यह 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इस मैदान का पूर्व से पश्चिम में तीव्र ढाल है। इस तरफ प्रवाहित नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही व साबरमती प्रमुख है, जिनके अतिरिक्त तीव्रगामी छोटी नदियां हैं। छोटी नदियों में गोवा की मांडवी व जुआरी मुख्य है। गोवा तटीय मैदान में आगुदा और मर्मगांव अंतरीपों के मध्य ज्वार नद मुख बन गए हैं। इसी प्रकार केरल में कुछ अनूप या लैगून पाए जाते हैं। यह संपूर्ण मैदान
तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, दमन व द्वीप तक का काठियावाड़ तट, दूसरा दमन और गोवा के मध्य कोंकण तट, तीसरा गोवा से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहलाता है। पश्चिमी तट एक प्रकार का भ्रंश तट है जहाँ अनेक खुली खाड़ियाँ हैं। भ्रंश घाटियों में प्रवाहित नदियाँ नर्मदा व ताप्ती ज्वार नद मुख बनाती है जिसकी अधिकतम चौड़ाई गुजरात में है। तटरेखा की उत्पत्ति। तटरेखा की उत्पत्ति के बारे में एडवर्ड सुएस ने बताया कि पुराजीवी महाकल्प के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना नामक एक संयुक्त महाद्वीप था जो क्रिटेशियस युग में विस्थापन द्वारा खंडित हुआ तथा इसी का एक खंड भारत का दक्षिण प्रायद्वीप है। इस महाद्वीप के खंडित होने से ही तटरेखा सीधी व सपाट बनी है तथा इसी कारण तटरेखा के पास बंदरगाहों की कमी है। सिडनी बुर्राड ने भारतीय तटीय भागों को कमज़ोर पट्टी बताया है। उनके अनुसार भारतीय तटों के जलमग्न व उन्मग्न होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। कच्छ व काठियावाड़ उन्मग्न होकर ही वर्तमान रूप में जलीय क्षेत्र से बाहर आए हैं। कच्छ प्रदेश पूर्व में एक खाड़ी के रूप में था जहां लूनी नदी का मुहाना था, लेकिन नदी व सागर के निक्षेप व थल के उन्मग्न होने से यह प्रदेश एक दलदल बन गया तथा बाद में शुष्क हो गया। केरल तट के अनेक लैगून भी इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार पश्चिमी तट पर जलमग्न होने के उदाहरण भी मिलते हैं। मुंबई पतन के प्रसार के दौरान प्रिंस डॉक की खुदाई 1878 में हुई। उस समय यह समुद्री ज्वार बिंदु से 10 मीटर की गहराई पर तथा अलेक्जेंडर डॉक की खुदाई 1910 में जहां ज्वार बिंदु से 12 मीटर की गहराई पर कोयला मिला है। इसी प्रकार पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में उन्मग्नता के प्रमाण मिलते हैं। ये कावेरी के मुहाने पर पूरम व गोदावरी के मुहाने पर कलिंगपत्तम में मिले हैं, जबकि तिरुनवेली तट पर वलीमुखम खाड़ी के नीचे तथा पुदुचेरी के पास जलमग्न कोयला इन क्षेत्रों के जलमग्नता के साक्ष्य दर्शाता है। सुएस के अनुसार 33 सागर में जमा अवसादों में संपीड़नात्मक बलों की उत्तरवर्ती दिशा में वलन पड़े। 33 सागर के उत्तर में अंगारा लैंड भूखंड ने पश्चभूमि तथा गोंडवाना लैंड ने अग्रभूमि का कार्य किया। इसमें गोंडवाना लैंड स्थिर रहा जबकि अंगारा लैंड दक्षिण में अग्रसर हुआ। फलस्वरूप 33 महासागर में वलन उत्पन्न हुए। कालांतर में स्वेस के इस विचार को मान्यता नहीं मिली। कच्छ रण व एक नग्न ज्वारीय पंख मैदानी क्षेत्र है जहां परित्यक्त व जीवित निवेशिकाओं का विच्छेदन हुआ है। कच्छ प्रायद्वीप एक रेतीला क्षेत्र है जहां नग्न चट्टानों वाली पहाड़ियां पाई जाती है। इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर में है। गुजरात का मैदान साबरमती, नर्मदा व ताप्ती नदियों द्वारा बनाया गया है। इसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में माना जाता है। कोंकण तट दमन से गोवा तक 500 किलोमीटर लंबा है जो संकरा व प्रारूपीय तटीय लक्षणों वाला मैदान है। यहाँ तटरेखा भृगुनुमा है। मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक लगभग 725 किलोमीटर लंबा है तथा 8 से 24 किलोमीटर चौड़ा है। केरल का मैदान अधिकतम चौड़ा 10 किलोमीटर है। मालाबार तट पर
अनेक लैगून पाए जाते हैं जिन्हें केरल में स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। वेबनाद झील एक प्रमुख कयाल है जो 80 किलोमीटर लंबी वो 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। इस प्रकार भारत के दोनों तटवर्ती मैदान विविधता लिए हुए हैं। द्वीप समूह, भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, प्रथम अरब सागर में लक्षद्वीप व द्वितीय अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इनके अतिरिक्त कुछ द्वीप बिखरे रूप में भी है। अरब सागर में पश्चिमी तट से लगभग 200 से 320 किलोमीटर दूर 8 डिग्री से 12 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री 40 मिनट से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य लक्षद्वीप समूह स्थित है। इसमें 25 द्वीप है जो 29 किलोमीटर में फैले हैं। इनमें लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप प्रमुख है। इनमें मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा व बत्रा सबसे छोटा द्वीप है। कादामात यहाँ का प्रमुख द्वीप है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, जबकि अनेक वैज्ञानिकों का मानना है कि लक्षद्वीप अरावली का ही आगे का विस्तार है जो अरावली के अरब सागर में नसाव के रूप में स्थित है। लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। लक्षद्वीप के अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक द्वीप स्थित है। इनमें काठियावाड़ के समीप पीरम और भैंसला द्वीप, दीव द्वीप, वैद, पिल्टान, करुबार, नोरा, आलिया बेट, खाड़िया बेट द्वीप प्रमुख है। मुंबई के पास साल बेट द्वीप, जिस पर मुंबई बसी हुई है, एलिफेंटा द्वीप, हैनर कैलरे, बूचर व अर्नाला प्रमुख है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में प्रमुख समूह अंडमान व निकोबार में अवस्थित है। यहाँ लगभग 590 किलोमीटर की लंबाई में एक चापाकार रूप में 204 द्वीप स्थित है। इस द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी 750 मीटर है। निकोबार द्वीप की अन्य चोटी धुलियार 642 मीटर है। इस द्वीप समूह को टर्शियरी काल में हिमालय के साथ बना माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान ज्वालामुखी से बना मानते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,326.85 वर्ग किलोमीटर है। इसके लगभग मध्य में 10 डिग्री चैनल अवस्थित है, जिसकी गहराई 730 मीटर है। ग्रेट निकोबार इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह में बैरन व नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप लगभग पिछले 100 वर्षों से निष्क्रिय रहकर कीचड़ में बदल चुका है, जो 9 जून 2005 को अचानक सक्रिय हुआ। पोर्ट ब्लेयर से 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित यह द्वीप निर्जन है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण द्वीप बिखरे हुए मिलते हैं। इनमें गंगा के मुहाने पर न्यूमूर द्वीप, हुगली के सामने सागर द्वीप, महानदी ब्रह्मणी के डेल्टा में सॉल्ट द्वीप व व्हीलर द्वीप, चिल्का के उत्तर में बासरा मांडरा द्वीप प्रमुख है।
इनके अतिरिक्त क्रोकोडाइल, अंडाकोटा, पाम्बन द्वीप चट्टानी धरातल के हैं। नेल्लोर के निकट ही श्रीहरिकोटा विशेष महत्व का द्वीप है, जिसे प्रमुख अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तूतीकोरिन के पास प्रवाल निर्मित हेयर द्वीप स्थित है। इस प्रकार भारत की भू आकृति कई भूगर्भीय घटनाओं से मिलकर बनी है, जिसमें अनगिनत विविधताएं पाई जाती है। ये विविधताएं पृथ्वी के आंतरिक या अंतर्जात बलों व बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित हुई है, जो भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में प्रदर्शित करती है।